कॉलेज पाया दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है बिग बॉस की पहली एविक्टेड कंटेस्टेंट। हालांकि बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, उर्फी वेलकम टू बॉलीवुड स्पाय। हाय, थैंक यू। सो उर्फी, बहुत मतलब आपकी जो एक जर्नी रही है वो कि एक ही हफ्ता रहा है, लेकिन लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे आपको देखना, जिस तरह से आप अलग अलग शेड सिखा रहे थे, पीपल वर लाइकिंग यू। लेकिन ये पहले हफ्ते में जिस तरह से हम इलेक्शन देख रहे हैं बहुत ही शॉकिंग रहा है, इनफैक्ट आपके फैंस बिग बॉस के फैंस भी काफी ज्यादा नाराज हुए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं खुद शॉक में हूँ कि इतना, मुझे लगा मुझे जनता ने एलिमिनेट किया है तो मैं, मतलब मुझे लगा क्या होगा बाहर जाके, ठीक है, बट मतलब मुझे हर सेकंड एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक, हर सेकंड लिटरली। और लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे लगा बाहर आके बोले पागल थी पागल थी, बट ऐसा नहीं हुआ, पीपल लव्ड मी एंड आई एम लाइक ये। जी, तो क्या ये उतना शॉकिंग आपके लिए भी रहा? क्योंकि घर में जाने से पहले भी जब हमारी बात हुई थी, यू साउंडेड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप मतलब पूरा एक प्लान जैसा लग रहा था कि आप काफी आगे तक जाने वाली है, लेकिन ये एक जो एक छोटी सी जर्नी रही, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई वॉज वेरी शॉक्ड, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे लगा था कि मैं आगे तक जाऊंगी, मतलब जिस हिसाब से मैं थी, और आई वॉज वेरी फेयर, आई वॉज आई डोंट नो, मतलब मैं और दे सकती थी शो को, डेफिनेटली बहुत कुछ दे सकती थी, बट क्या कर सकते हैं। How do you feel? वेरी बैड यार, मैं क्या बोलूँ, अभी 2 मिनट पहले मैं रो रही थी, बट अब ठीक है, लाइफ है यार, क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ अगर बात की जाए तो इनिशियली 5 लोग नॉमिनेट हुए थे, जिसके बाद 2 को रिहा दी गई थी क्योंकि वो जो टास्क हुआ था जिसमें आपने बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनमेंट भी किया था लोगों का, और वो राकेश, शमिता और आप लास्टली बचे हुए थे। अगर आप नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि पहले हफ्ते कौन घर से बेघर हो सकता? मुझे लगा था राकेश जी जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर शमिता मेरे और राकेश में बात आती, पर ठीक है, मतलब पता नहीं क्या बोल सकते हैं। जी, आपकी जर्नी बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी मैं कह सकती हूँ, बहुत ही सफल रही, क्योंकि एक हफ्ते में ही इतना ज्यादा प्यार आपको मिला है, आप खुद कह रही है कि बैक टू बैक मैसेजेस भी आ रहे हैं, सो ऐसे में इनफैक्ट आपकी जो DIYs हमने देखे वो भी बहुत अच्छे रहे हैं, सो अपने जर्नी के बारे में क्या कहना चाहते? जर्नी शॉर्ट थी पर बहुत स्वीट थी, और अगर लॉन्ग होती तो फिर तो मैं लगा देती सबकी, मतलब घर वाले बेचारे परेशान हो जाते, क्योंकि आई डोंट नो मैं आगे क्या करती, बट ठीक है, क्या कर सकते, अब मेरा तो यही रिस्पॉन्स होगा यार, क्या कर सकते। अंगूर, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो वही बात हो जाएगी कि अंगूर खट्टे हैं, तो मेरे को अभी शायद अब आगे इंटरव्यूज में निकल भी है, बट ठीक है। जीशान खान ऑफ कोर्स, अगर वो मुझे बाहर मिल गया, अगर मैं अंदर दोबारा चली गई ना, जो कपड़े नहीं पहनता है ना उसकी खाल भी मैं निकाल दूंगी, तो वो तो बस ये रोज भगवान से मनाए कि उर्फी वापस ना आए, मतलब और कहीं बाहर भी मेरा सामना ना हो जाए उस। उर्फी, क्या लगता है आपको कि घर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट कौन है? निशांत मेरा दोस्त है तो मैं उसी का नाम लूंगी, निशांत। जी, क्या लगता है आपको सबसे स्मार्ट या फिर सबसे शातिर हम कह सकते हैं, कौन इस वक्त अपनी गेम खेल रहा है? दिव्या बहुत ही एक नंबर की कमीनी औरत है वो। दिव्या, मैंने बाहर आके देखा, उसने मेरे बारे में जो जो बोला है, और मैं एटलीस्ट जो भी थी सबके मुंह पे थी, मुझे तुम पसंद नहीं भी थे तो मैंने मुंह पे बोल दिया था, पर वो मतलब उसने जो जो बोला है ना मेरे बारे में, मैं मतलब क्या बोलू, मैं इतनी, फिर मुंह पे स्वीट मत बनो, दोगली है वो, दोगली। जी, क्या लगता है आपको मैनिपुलेटिव गेम कौन खेल रहा है? मैनिपुलेटिव तो मैं दिव्या को ही बोलूंगी, सामने से मीठी बनती है और पीठ पीछे इतनी बुराइयां करती है, खाना वाना बनाना आता नहीं है बढ़िया ही, कि मैं तो बड़ी, कुकिंग मेरी थेरेपी है, तो भाई तुम एक बार जाके अपनी थेरेपी की थोड़ी क्लासेस व्लासेस दे लो, तुमको नहीं आती है, जब भी वो खाना बनाती थी दिमाग खराब हो जाता, मैं तो खाती ही नहीं थी। जी, हम वैसे भी पहले आपने अभी कहा है, लेकिन ये पता है टैग आप स्पेसिफिकली किसे देंगे? थाली का बैंगन। थाली का बैंगन मैं नेहा को देना चाहूंगी, मैंने देखा नेहा ने भी कैसे मेरी पीठ पीछे बुराइयां करी हैं, सामने से अच्छी बन रही थी,
ये तो मैं नेहा को देना चाहूंगी। और सबसे डम आपके हिसाब से कौन खेल रहा है? रिद्धिमा, वो क्या कर रही है? मुझे मुझे पसंद है वो, ऐसा नहीं मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, लड़की अच्छी है बट वो थोड़ी सी डम है। आपको क्या लगता है उन्हें अपनी गेम किस तरह से चेंज करनी चाहिए? रिद्धिमा को किस तरह से क्या चेंज करना चाहिए? मतलब आप अगर उन्हें कुछ एडवाइस दे सके, जैसा आप उन्हें, मेरे को आपको कोई लगता एडवाइस नहीं देनी, है अपना जो करना है करो। अब मैं बाहर हो गई, मेरे को अंदर वालों को कुछ नहीं एडवाइस देनी है, जॉब करो मरो जो करना है करो, हमको क्या। कि और फिर हमने देखा था कि जैसे ही बिग बॉस स्टार्ट हुआ, अशमिता और दिव्या के बीच काफी एक अच्छी दोस्ती हमें नजर आई, लेकिन उसके बाद हालांकि बीते दिन की भी अगर बात करूं तो काफी ज्यादा अलग ही माहौल हमें देखने को मिला, काफी ज्यादा अलग कलर्स देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों के बॉन्ड के बारे में? हाँ तो दिव्या को लगा ना कि वो शमिता शेट्टी है भाई, वहां जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो ग्रुप बन चुका था टाटा के बच्चों का, मतलब वहाँ टाटा के बच्चे थे और हम इस साइड बाटा के बच्चे थे, तो वहां वैसा यू नो कि अमीर लोग एंड ऑल दैट स्टफ, तो उनको लगा भाई वहां ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, और शमिता शेट्टी जो है अलग ही है, तो वो एक नंबर की दोगली दिव्या अग्रवाल। और फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रतीक और दिव्या इनकी भी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अनबन रही, आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू कौन फेक गेम खेल रहा है, कौन ऑनेस्ट लग रहा है आपको इन दोनों के बीच? प्रतीक इज वेरी ऑनेस्ट, आई ऑनेस्टली लव प्रतीक, वो दिल का इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, मैं चाहे थोड़े दिन और रुकती तो मुझे उससे प्यार व्यार हो जाता, मुझे तो ये लग रहा था। वो बहुत अच्छा है, मतलब आई रियली लाइक हिम, मुझे ऐसा हो गया तो उसके लिए ओ कि तो प्यारा सा है, तो बस फेक दिव्या है। तो क्या आपको लगता है बाहर आने के बाद आप दोनों के बीच कोई और बात बन सकती है? मैं अभी से क्यों बताऊं, मैं अभी से आपको क्यों बताऊं, वो तो बाहर आके हम भी देखेंगे ना, हम अभी से बता देंगे, पता चला वो बाहर आके उसका अंदर कुछ और हो गया तो मैं तो फिर से रह जाऊंगी यहाँ करके। नहीं नहीं भाई, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बाहर आके होगा वो बाहर आके होगा। जी बिल्कुल। और उसे हमने देखा कि सिडनास जिनकी जोड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, उन्हें हमने हाल ही में लास्ट एपिसोड में ही हमने उनको देखा, और हालांकि आप नहीं मिल पाए उनसे क्योंकि आप कभी एक्सिट हो चुकी थी, लेकिन वो घर में गए और उन्होंने बहुत ही अच्छा सा माहौल भी बनाया। आप क्या इस मेमोरी को, मतलब ये जो एक मोमेंट था उसे मिस कर दिया, और आपको सिडनास मैंने की शायद जोड़ी कैसी? जाने से पहले 50 इंटरव्यू में बोला होगा कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पसंद है, आई लव सिद्धार्थ शुक्ला, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ सिद्धार्थ की। मुझे मेरा एलिमिनेशन से, मतलब मुझे जाने से ज्यादा इस बात का दुख हुआ है कि मैं सिद्धार्थ और शहनाज से नहीं मिल पाई, मुझे इतने पसंद है दोनों। जी, तो अभी जब वो आए और आप नहीं मिल पाए तो क्या कुछ प्लान रहेगा? मैं जब नहीं मिल पाई तो मैं सिर्फ रो रही थी, मैं अब क्या ही उनको देखती, मैं तो अब फिर वही हो गया कि देखने की हिम्मत भी नहीं होती, क्या है इतनी बेइज्जती हो गई, आउट हो गए, क्या ही हिम्मत होगी इनको देखने की। जी, तो उसकी हमने देखा कि इस बार करण जो है, हालांकि अगर कहा जाए तो पहला वीकेंड रहा जहां हमने इस तरह से देख पाए, लास्टली प्रीमियर के वक्त हमने देखा था, क्या लगता है आपको कि इनकी होस्टिंग आपको कैसी लगी और कितने फेयर लगे आपको इनका होस्टिंग का? मैं फेयर अनफेयर जज नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक ही टाइम थी, वो आगे पता चलता है, एक बार में किसी को जज करना बिल्कुल भी गलत है। हालांकि मुझे एज अ होस्ट वो बहुत सही लगे, जैसे उन्होंने दिव्या की क्लास थी मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, मैं तो ऐसे ही था, बढ़िया ही रह गई। जी, तो उसपे कितने दोस्त बनाए आपने इस एक हफ्ते में और कितने दुश्मन बनाए आपने इस एक हफ्ते? मुझे बाहर आके पता चल रही बात कि मैंने कितने दोस्त बनाए, मैंने कितने दुश्मन बनाए। मुझे जीशान को तो मतलब मैं मार डालूंगी, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ दुश्मनी के बारे में। और दिव्या के तो मैं बाल नोच लूंगी अगर मैं अंदर गई तो, बाहर भी दिखी कहीं तो, बहुत ही डबल फेस लड़की है वो, दोगली है, ऐसी लड़कियों को तो मुंह लगाना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट होगा जिसके साथ आप आगे भी अपनी दोस्ती कंटिन्यू करना चाहेंगी? वही कंटेस्टेंट होंगे जो हमारे साथ दोस्ती कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो उर्फी, जिस तरह की बातें भी चल रही है, जिस तरह के आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं फैंस के, बिग बॉस के फैंस के, आपके फैंस के, तो ऐसे में आप बताइए कि क्या आपको उम्मीद है कि आपके घर में वापसी हो सकती है? यकीन तो कुछ भी नहीं बोल सकते, यकीन तो हमको ये भी था कि हम पहले हफ्ते नहीं जाएंगे,
अभी हम आपसे बोल दें कि नहीं नहीं हम तो वापस जाएंगे, पता चला नहीं और बेइज्जती, तो हम ऐसा तो कुछ यकीन नहीं बोल सकते हैं। हमारा मन तो है, अगर हम गए तो फिर तो खैर मना ले घर वाले अपने। बिल्कुल। तो उर्फी अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक्स एवरीवन मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एक हफ्ते में मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं टिक जाती तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाती, बट लोगों को और देखने का मौका मिलता मुझे, और शायद वो मुझे और समझते, तो कोई नहीं। बट थैंक यू सो मच उर्फी फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड 5। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।